अयोध्या विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बाबरी मस्जिद के लिए कपिल सिब्बल की पैरवी को बीजेपी हथियार बनाकर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस इस विवाद को हवा नहीं देना चाहती, इसीलिए उसने अपने नेता को हिदायत दी है। सूत्रों के मुताबिक कपिल सिब्बल को बाबरी मस्जिद केस से हटने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलने में जुटी है। इस फॉर्मूले से न सिर्फ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है बल्कि कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण की छवि से बाहर निकलने में भी मदद मिल रही है। लेकिन अयोध्या विवाद कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि जहां बीजेपी राम राग अलाप रही है, वहीं कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता बाबरी मस्जिद की पैरवी कर रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद केस लड़ रहे हैं, जिसे लेकर पहले भी कई बार कांग्रेस मुश्किल में पड़ चुकी है। इस बार कर्नाटक चुनाव में भी कहीं ये विवाद कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी ना बजा दे, इसलिए पार्टी ने पहले ही तैयारी कर ली। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को बाबरी केस छोड़ने की हिदायत दी है। खबरों की माने तो कांग्रेस पार्टी ने गुजरात चुनाव के दौरान पैदा हुए विवाद को देखते हुए कपिल सिब्बल को बाबरी मस्जिद केस से हटने का निर्देश दिया है। सिब्बल से कहा गया है कि इस केस को छोड़ना ही राजनीतिक रूप से उनके लिए समझदारी भरा कदम होगा। माना जा रहा है कि पार्टी के आदेश के बाद सिब्बल इस केस से दूर हो गए हैं, तभी वो सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं रहते। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मिल रही जानकारी के मुताबिक सिब्बल आगे भी इस केस की सुनवाई से दूर रह सकते हैं। आपको बता दें कि इस केस में सिब्बल की पैरवी की वजह से ही बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस केस में सिब्बल की दलीलों को लेकर गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान भी काफी आलोचना की थी, लेकिन कर्नाटक में वो ये दोहराना नहीं चाहती, इसलिए अपने नेता को पहले ही हिदायत दे दी गई है। अब देखना होगा कि सिब्बल इसे मानते हैं या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।